सहायक शिक्षकों की पदोन्नति में एक बड़ा फर्जीवाड़े होने की आशंका। नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी शेख इमरान, आप देख रहे हैं द न्यूज नेटवर्क। आइए शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले पर बड़ा खुलासा आपको दिखाते हैं। सहायक शिक्षकों की पदोन्नति में बड़ा फर्जीवाड़े होने की आशंका। डबल स्नातकधारी शिक्षकों को नियमों के विरुद्ध फर्जी तरीके से मान्य करने की बनाया जा रहा है योजना। सूत्रों से मिली जानकारी से आखिर शिक्षा विभाग में क्यों मचा हड़कंप? सवालों के घेरे में अधिकारी, आखिर उनके विभाग में यह सब क्या चल रहा है? क्या है पूरा मामला, आइए आपको समझाते हैं और इस पूरे बड़े मामला का खुलासा करते हैं। सहायक शिक्षक एलबी का पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी होते ही गलत तरीके से प्रमोशन कुछ शिक्षकों को दिलाने विभाग से जुड़े लोग बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देने के फिराक में हैं। यह पूरा मामला गरियाबंद जिले के कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी फिंगेश्वर से जुड़ा हुआ है। पदोन्नति के लिए एक वरिष्ठता सूची जारी हुआ है, जिसके लिए विभाग द्वारा दावा आपत्ति लिया जा रहा है। उसके अंतर्गत डबल स्नातकधारी शिक्षकों को नियमों के विरुद्ध फर्जी तरीके से मान्य करने की योजना बनाया जा रहा है। देखिए, विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि सहायक शिक्षकों के पदोन्नति के लिए एक विषय पर स्नातक मान्य होगा। डबल स्नातकधारी शिक्षक आपात की श्रेणी में आते हैं, लेकिन डबल स्नातकधारी जो शिक्षक हैं उनको पदोन्नति में लाभ पहुंचाने भारी फर्जीवाड़े को अंजाम देने की पूरी तैयारी विभाग में बैठे कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। अब जरा आप सोच कर देखिए कि जिन शिक्षकों को गुमराह के रास्ते पर ले जाकर उन्हें गलत तरीके से अगर प्रमोशन देते हैं तो आने वाले समय पर सबसे ज़्यादा परेशानी किसे होगा? जाहिर तौर पर उस शिक्षक को ही होगा। इसीलिए हम यह खुलासा कर रहे हैं ताकि आने वाले समय पर कोई भी शिक्षक परेशान ना हो और फर्जीवाड़े के चक्कर में ना फंसे। क्या कहते हैं नियम, आइए यह भी आपको बताते हैं। सूत्रों ने बताया कि नियम के अनुसार डबल स्नातकधारी शिक्षक विश्वविद्यालय के नियमानुसार निवेदन कर दो में से एक विषय की उपाधि को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 धारा 24 कंडिका 30 ट्रिपल एक्स प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक के निर्णय अनुसार निरस्त करवाता है, तब कहीं जाकर एक उपाधि को मान्य किया जाता है। लेकिन यहां बिना अनुमति के डबल स्नातक को सेवा पुस्तिका में इंद्राज यानी शामिल करने का खेल रचा जा रहा है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि कुछ लोग इस काम के लिए मोटी रकम का भी लेन देन कर रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं यह तो जांच का विषय है। बात मीडिया में आने के बाद हड़बड़ाए अधिकारी, आनन फानन में मामले को जल्द निपटाने के फिराक में उच्च अधिकारियों से मिलकर नियम कानून बना रहे हैं, यह भी जानकारी हमें मिली है। और अब यह कोशिश में लग गए हैं कि किसी भी तरह डबल स्नातकधारी शिक्षकों को दावापत्ति आवेदन में त्रुटि के कालम में सुधारने के लिए अन्य उपाधि को जोड़ने की भरसक प्रयास और कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी और विकास खंड शिक्षा अधिकारी भी कई तरह के सवालों के घेरे में आ गए हैं। आखिर उनके विभाग में यह सब क्या चल रहा है? वहीं इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि आनन फानन में संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग के द्वारा 14 जनवरी 2022 को एक आदेश जारी होता है, जिसके कंडिका 15 में यह लिख देते हैं, यदि कोई सहायक शिक्षक ने दो विषय में स्नातक किया है तो प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने एवं सेवा पुस्तिका में इंद्राज होने पर संबंधित के द्वारा जिस विषय में अपना सहमति देना होगा वही मान्य होगा। तो सवाल यह उठता है, क्या विश्वविद्यालय के नियमानुसार में से दो में से एक विषय को बिना निरस्त कराए
बिना अधिसूचना जारी हुए डबल स्नातक को प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने पर सेवा पुस्तिका में कैसे इंद्राज किया जा सकता है, यानी कैसे उसे शामिल किया जा सकता है। ऐसे में अपने आदेश को लेकर संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग भी कई तरह के सवालों में घिरते नजर आ रहा है। क्या नियम कानून को ताक में रख कर यह आदेश महज गलत तरीके से फायदा दिलाने के लिए जारी किया गया है, जो एक बड़ा जांच का विषय है। जब इस पूरे मामले की जानकारी को लेकर हम जिला शिक्षा अधिकारी करमन खटकर और विकास खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर मिश्रा के पास गए तो जवाब क्या मिला? हमें कोई संतुष्ट पूर्ण जवाब मिला ही नहीं। आखिर शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षकों की पदोन्नति और वरिष्ठता सूची के लिए जो दावा पत्र लिया जा रहा है, और जिस तरह उसमें डबल स्नातकधारी शिक्षकों को गलत तरीके और फर्जी तरीके से मान्य किया जा रहा है, और जो योजना बनाया जा रहा है, आखिर यह सब क्यों? क्या डबल स्नातकधारी को इंद्राज में यूं ही शामिल कर दिया जाएगा? तो फिर विश्वविद्यालय के नियम कानून का मतलब ही क्या है? अचानक देखो तो कब आदेश जारी हो जाता है और उस आदेश का पालन भी विभाग में बैठे अधिकारी करते हैं, और सवाल पूछो तो संतुष्ट पूर्ण जवाब नहीं दे पाते। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी करमन खटकर और फिंगेश्वर के विकास खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर मिश्रा ने कहा कि जो किया जा रहा है वह नियम को देख कर किया जा रहा है, कोई भी गलत काम नहीं होगा। साफ साफ यह है कि जो सहायक शिक्षक हैं, जिनको उम्मीद है कि इतने सालों बाद उनकी पदोन्नति होगा, और कोई अधिकारी या विभाग से जुड़े लोग उन्हें गलत जानकारी देकर उनसे गलत काम करवा कर उनकी पदोन्नति कर भी देते हैं, तो समस्या तो आखिर उन्हीं शिक्षकों को तो होना है। इसलिए हम बड़ा यह खुलासा कर रहे हैं। मुझे यह समझ नहीं आता, इस मामले से जुड़ी कई सवालों का जवाब लेने हम जब अधिकारियों के पास गए तो हमें बाइट देने के लिए मना तो किए, लेकिन उनके द्वारा संतुष्ट पूर्ण जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। जो सूत्रों से जानकारी हमें मिली है उस पर अधिकारी हड़बड़ाए हुए हैं, यानी कुल मिलाकर इस पूरे मामले में गलत और नियम के विरुद्ध काम किया जा रहा है, इसीलिए यह खुलासा हमें करना पड़ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी हमने जिला के कलेक्टर नम्रता गांधी और इस क्षेत्र के विधायक अमितेश शुक्ला को भी दे दी है, ताकि इस मामले में सही जांच हो सके और कोई भी शिक्षक गलत तरीके से किसी के कहने पर, किसी के गलत जानकारी देने पर वो फर्जीवाड़े के दायरे में ना आ जाए, और जो भी इस पूरे मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं उनका नाम, उनका चेहरा भी सामने आ जाए। फिलहाल ये पूरा मामला एक जांच का विषय है। देखना होगा कि आने वाले समय में इस मामले से जुड़े और भी क्या बड़े खुलासे होते हैं। फिलहाल मुझे अली शेख इमरान और मेरे कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत, और क्षेत्र खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।